अब खंजर घोपा तो उन्हीं के पीठ में लगा होगा, वही जानते होंगे, हम लोग तो देखे नहीं थे। अरे वो फरंटे फुट पर खेलवे करते हैं, वो बढ़िया फुटबॉलर हैं, अब बहुत मजबूत हैं, इसलिए उनको कौन कह रहा है कि कमजोर है, वो मजबूत है ही है, तब ना हम लोग साथ चल रहे हैं। हाँ हाँ, तो लालू प्रसाद यादव को कौन कह रहा है कि नेता नहीं, वो हर जोतने वाले हैं, ऐसा कोई कहा है क्या? नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन उसका असर बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, काफ़ी गहमा गहमी है। सवाल NDA के अंदर है, सवाल की शुरुआत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ BJP के नेता नवल किशोर यादव है। सबसे पहला सवाल, NDA में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप किस रूप में देखते हैं? ऑल इज वेल, ऐसा तो कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल है, कहा नहीं जा रहा है, देखा भी जा रहा है, कहीं लड़खड़ाते देख रहे हैं? बयानबाजी तो हो रही है सर। अब बयानबाजी मुंह है, लोकतंत्र है, सहमति और असहमति का अधिकार लोकतंत्र में, तो बयानबाजी नहीं होगा, बयाने से ना चलता, और यहाँ गोली चलाना है। गठबंधन है तो किन मुद्दों पर एकजुट आप लोग हैं? एकदम एकजुट है, और सारे लोग कदम से कदम मिला के चलने वाले, कहीं जाने वाले नहीं। शराबबंदी, स्पेशल स्टेटस, जातीय जनगणना, कई मुद्दों पर सबकी अलग अलग राय है। हाँ तो अलग अलग राय होते ही, अलग अलग राय होता है, फिर अलग अलग राय सब छन के एक जगह आता है, फिर सरकारें चलती है। मुकेश सहनी को लेकर क्या कहेंगे? अब मुकेश सहनी बढ़िया लोग हैं, मजबूत लोग हैं, चालाक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लड़ाका लोग हैं, योद्धा हैं, बढ़िया पहलवान हैं, इसीलिए हम लोगों के साथ हैं। नहीं, वो कहते हैं कि पर्दे के पीछे से आप लोग रणनीति बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं, पर्दे के पीछे रणनीति तो पर्दा पर ऊपर ही बन रहता है, सब रणनीति तो पर्दा के पीछे ही ना बनता है, पर्दा के ऊपर कहाँ कुछ बनता है, तो वो तो ठीक है कह रहे हैं, सब रणनीति पर्दा के। उनके द्वारा ये कहना है कि Day 1 से हमारे दम पे सरकार चल रही है, किसी का औकात नहीं है कि कुछ कर दे, ये क्या सवाल? तो ठीक है कह रहे हैं, वो मजबूत, जब भी कभी लोड डिस्ट्रीब्यूशन मकान का किया जाता है तो जो मजबूत पिलर है उसी पर लोड दिया था। मैंने कहा कि मुकेश सहनी जी मजबूत हैं, चालाक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लोकतांत्रिक हैं, लोकतंत्र की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है, और सरकार भी उनकी बदौलत चल रही है, उनके बदौलत, मांझी जी के बदौलत, NDA, JDU सब मिलके सरकारें बनाए हैं और सरकार चल रही है। गोचहा पर जब चुनाव होंगे, आपके पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर योगी की जय जयकार आप नहीं करेंगे, जो कि अब नहीं करेंगे मुकेश सहनी, तो गोचहा पर BJP लड़ेगी। अब कहते हैं कि हम भी लड़ेंगे, लड़ लीजिए। अब गोचहा पर खोचहा पर कौन लड़ेगा, ये हमको पार्टी से निर्णय नहीं हुआ, इस पर हमें स्पेसिफिक कोई जवाब देने के लिए नहीं बैठे हुए, ये पार्टी का, प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा वही निर्णय चलेगा, किसी के पैर उड़काने से कुछ नहीं होने। एक अंतिम सवाल है, मुकेश सहनी का जो तेवर पहले था, जो विधानसभा चुनाव के बाद जो थे तेजस्वी यादव को लेकर जो तेवर था, और जो आज है, काफ़ी आसमान धरती का अंतर देखने को मिल रहा है। आप कहते हैं कि छोटे भाई हैं तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव नेता हैं। हाँ हाँ, तो लालू प्रसाद यादव को कौन कह रहा है कि नेता नहीं, वो हर जोतने वाले हैं, ऐसा कोई कहा है क्या? अरे तो ठीक है तो कह रहे हैं, तेजस्वी उनके भाई हैं कि भतीजा है कि क्या है, कौन सगा संबंधी है, वो तो वही ना बताते, आपका कोई संबंधी है तो आप ही ना बता सकते कि हमारे संबंधी कौन है। पहले कहते थे कि खंजर घोपा, आज कहते हैं कि भाई है। अब खंजर घोपा तो उन्हीं के पीठ में लगा होगा, वही जानते होंगे, हम लोग तो देखे नहीं थे। आप लोग कहिएगा कि पहले का वाला खंजर बाजरा दिखा दीजिए कि कहाँ पर लगा था, उसका दागू कहाँ है, हम लोग कैसे कहें। ये भी कहते हैं कि बिहार में अगर खेला हो बे तो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला जो कहे जाते हैं फ्रंट फुट पर खेलेंगे। अरे वो फ्रंटे फुट पर खेलवे करते हैं, वो बढ़िया फुटबॉलर हैं, अब बहुत मजबूत हैं, इसलिए उनको कौन कह रहा है कि कमजोर है, वो मजबूत है ही है, तब ना हम लोग साथ चल रहे हैं। चलिए, नवल किशोर यादव थे जिनसे हमने तमाम सवाल जो है वो किए, जवाब भी बेबाकी से इन्होंने दी। इसको मिलता ही देखते हैं, लाइन्स बिहार, नमस्कार।